ओके सो वेलकम टू सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। वैसे तो 10th चैप्टर है, ठीक है, लेकिन जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग पढ़ रहे हैं तो हमारे सेशन का ये सेकेंड चैप्टर है। ओके अब इस ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से क्या क्या चीज है, तो एक एक पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। मीन्स जब हम लाइट के बारे में पढ़ें, प्लस उसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें, प्लस उसके जब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें, प्लस जब हम उसके रे डायग्राम की बात करें, और जब उसके रे डायग्राम की प्रैक्टिस की बात करें, मतलब ये फिजिक्स का जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे ही ये जो है आपका चैप्टर बड़ा चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा वेटेज बोर्ड एग्जाम में कवर करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर को मीन्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के सेंस में आपको लेना है। और जो जो असाइनमेंट जाए, जो जो आपका क्विज जाए, और जो जो आपका जो है जो भी चीजें मैं आपको कहूं करने के लिए, तो वो उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। क्योंकि इसमें जो जनरली बच्चे जो फोकस करते हैं और जो चीज समझ में नहीं आती है वो होता है रे डायग्राम। ठीक है, तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रे डायग्राम का असाइनमेंट, क्योंकि पहले तो असाइनमेंट क्या होता था, मैं व्हाट्सएप पे मंगाता था, अब आपके पास असाइनमेंट का पूरा हब है, तो इस वजह से असाइनमेंट्स जब हम रे डायग्राम का दें तो उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा और सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिकॉज आपको शायद पता ना हो कि लाइट जो चैप्टर है वो क्लास 10th में मोस्ट सर्च टॉपिक में होता है यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को बहुत सर्च आउट करते हैं, और मेरे अजीजा के जितने भी लेक्चर्स हैं जो पब्लिक होते हैं तो उसमें इन वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आए हैं बनिस्बत ज्यादा मीन्स और चैप्टर्स के। उसमें अगर एक दो हैं तो इसमें कम से कम 150, 250, 300 तक, मतलब अगर कंपैरिजन करो। मेरा कोई ज्यादा लेक्चर तो पब्लिक होता नहीं है, सब अनलिस्टेड रहता है, सिर्फ फर्स्ट लेक्चर जाता है। तो दिस इज द मोस्ट व्यूड एंड मोस्ट सर्च टॉपिक क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो चलिए अब बोर्ड पे आते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें लाइट की, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट बेसिकली है क्या? देखो, लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल। अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना हो तो दिस इज व्हाट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ऐसी एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, मीन्स जो हमें देख दिखाती है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जितने भी अराउंड हमारे हैं, ठीक है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें देखना हो, ठीक है, तो वी नीड व्हाट टू थिंग्स, वन इज लाइट एंड वन इज द सेंस ऑर्गन आई। ठीक है, ओके, लाइट एंड आई, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। लाइट हो, आई डिफेक्टिव है तो आप नहीं देख सकते, आई हो, लाइट ना हो, अभी अंधेरा कर दो, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मींस फैक्ट्स पे जाएं तो पूरे यूनिवर्स में देयर इज ओनली 3% लाइट। पूरे यूनिवर्स में जो लाइट का परसेंटेज है वो कितना है? वो है 3%। मींस देयर इज 97 ऑलमोस्ट 97% डार्कनेस इन द यूनिवर्स। तो सोचो लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट, जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। ठीक है, अब लाइट के बेसिक लेवल पे अगर हम समझे तो बेटा लाइट बेसिकली क्या है, यहां पे जब बात होती है तो हम बात करते हैं किसकी? विजिबल लाइट की। किसकी बात करते हैं? विजिबल लाइट की। ठीक है, विजिबल लाइट मतलब वो लाइट जो हम देख पाते हैं। और जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये आपको पता है, जब आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट में देखते हैं वो सारे के सारे कलर्स स्प्लिट कर जाते हैं। वी सी सेवन मेन कलर्स,
ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स से ये हमारा क्या बनता है, विजिबल लाइट बनता है। यस, लेकिन क्या यहीं पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? नो, लेट मी शो यू वन थिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो, यहां से मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये पूरा एक रेंज, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, अगर हम सिंपल लेवल में देखें तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो लाइट बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और जैसा कि आप यहां पे दिख रहा होगा कि विजिबल लाइट दिख रहा है, ये विजिबल लाइट है, यानी इसके ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज है और इसके नीचे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स एक रेंज है, ठीक है, दैट इज जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना 1 से फिर 10 तक जाते हैं तो एक रेंज होती है, ठीक है, तो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक रेंज होती है जिसमें विजिबल लाइट जो है वो एक पार्ट होता है, ठीक है। तो यहां से ये चीज समझ में आ रही, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ विजिबल लाइट, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है वायलेट से और एंड किस पे हो रहा है, रेड पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज विब क्यूर। तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे और जब क्वांटम फिजिक्स पे जब पहुंचेंगे और लाइट बेसिकली अगर प्लस टू लेवल पे भी देखें तो बहुत कुछ अभी लाइट के बारे में आपको पता होना बाकी है। यहाँ पे टेंथ में सिर्फ आपको बेसिक चीजों को स्टडी करना है। तो विजिबल लाइट मींस, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, विजिबल लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, ठीक है। तो विजिबल लाइट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आते थर्ड बात पे, हम ये जानते हैं कि मींस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट बेंड होते हुए भी फिनोमिनन आपको दिखाई देगा और जिसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। लेकिन डिफ्रैक्शन डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको टर्म पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं है, लाइट किस किस स्कूल में हो चुका है, अभी कहीं नहीं हुआ है, आप लोग स्कूल में लाइट पढ़ाया जा चुका है, हाँ भी बताओ, ओके तो देखो यहां पे दिया हुआ है, सी है आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो मैं कहता हूं एनसीईआरटी में सब कुछ है। ये जो बॉक्स है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, इफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट पास करती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से, थोड़ा बहुत पार्शियली पास करेगी लेकिन ओपेक उसको रोक देगा। तो ये जैसे ओपेक, आप अपने चारों तरफ दीवारें देख रहे होंगे अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, तो लाइट अब इस दीवार से क्रॉस नहीं हो पा रही क्योंकि ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसका साइज बहुत बड़ा है। लेकिन अगर ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है तो लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, ठीक है, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज व्हाट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन आप इस क्लास में नहीं, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, ये आप आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज पेल्स टू एक्सप्लेन फिनोमेनन सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट एज अ वेव। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर बेंडिंग ऑफ लाइट भी दिख रही है, अभी तक तो हमने पढ़ा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्या ये गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, बट वी हैव स्पेशल फिनोमेनन ऑल्सो, जैसे आप रिफ्रैक्शन के बारे में आपने सुना हो, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, वहां से जो लाइट रे होती है, हम आगे पढ़ेंगे, जो लाइट रे होती है उसमें क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है,
ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे, इवन YouTube पे भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब एक कोई भी कंटेनर लिया, उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है, उसमें से पानी निकल रहा है। तो जब आप लेजर लाइट उसको करेंगे तो वो लेजर लाइट आपको पानी की जो धार होती है उसके थ्रू बेंड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है, वो आगे नहीं, वो बेंडिंग होती हुई आपको प्रॉपर वे में दिखाई देगी। तो ऐसे ऐसे स्पेशल फिनोमिनन्स नेचर में छुपे हुए हैं। तो क्या चीज, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे फिनोमिनन्स वहां पे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि मींस बेंडिंग हो रही है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, दैट मींस द वे मींस द लाइट हैज व्हाट द वेव नेचर, यानी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि लाइट का कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। लाइट का कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर, मींस लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। फिर हम ये अगर गौर से देखें कि अगर कोई वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम मतलब विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एयर, विदाउट एनी पार्टिकल, कोई पार्टिकल, कोई मॉलिक्यूलर उस एरिया में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वैक्यूम कंडीशन है। तो लाइट इस वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाती है, लाइट इस वैक्यूम से भी ट्रेवल कर गई। अब हम ये जानते हैं कि एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम साउंड की बात करें तो साउंड को ट्रेवल होने के लिए हम जानते हैं, हमने बेसिक लेवल पे स्टडी किया कि हमें एक मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, तभी साउंड इधर से इधर पहुंच पाती है। लेकिन लाइट के केस में वैक्यूम में ट्रेवल कर जाती है। तो कैसे एनर्जी अपने आप कैसे ट्रेवल कर जा रही है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि इसका एक और नेचर होता है, दैट इज वॉट पार्टिकल नेचर, यानी लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स टू, यानी लाइट खुद अपने जो है पार्टिकल्स का बना होता है। तो ये जो पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। मींस लाइट के पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। खुद एक मीडियम है वो, ठीक है, उसको किसी और मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवलिंग के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तभी पॉसिबल है जब उसका नेचर कैसा होगा, पार्टिकल होगा। तो इसका मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है। दैट्स व्हाई वी से द लाइट हैज व्हाट, ड्यूअल नेचर, मींस लाइट हैज व्हाट, ड्यूअल नेचर। इट हैज द पार्टिकल नेचर एंड इट ऑल्सो हैज द वेव नेचर। लाइट इज विच वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आई कि लाइट का इलेक्ट्रो मींस वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। दैट्स व्हाई वी से लाइट हैज व्हाट द ड्यूअल नेचर। तो वन मार्क में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप व्हाई लाइट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ ड्यूअल नेचर, बिकॉज द लाइट is having the wave nature and also the particle nature. That's why it is said that light has dual nature. That's it. Class 10th level pe yahi basic information, no detail is required over here. Theek hai, to yahan tak kisi ko koi problem hai to poocho. Yes, any more questions chat box mein likhiye. ठीक है, तो आज हमने ये समझा कि लाइट का क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है, और ये जो ड्यूअल नेचर है मींस इट इज हैविंग द वेव नेचर एंड आल्सो द पार्टिकल नेचर। मींस तो ये जो पार्ट है दैट इज द मॉडर्न, दिस इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द मॉडर्न। जब आप क्वांटम फिजिक्स हायर क्लासेस में जाके पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कुछ टर्म्स पे जो कि आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे। जाहिर सी बात है
जब हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो वो टर्म्स बीच बीच में आएंगे. इट इज ऑल्सो गिवन इन द बुक्स बट वी विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ इट. ठीक है, दैट इज द सोर्स. सोर्स किसको कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट किसको कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट उसको कहते हैं जहां से लाइट इमिट हो रही हो. ठीक है, तो वो सोर्स मींस सेल्फ ल्यूमिनस भी हो सकता है, मींस उसकी खुद की लाइट, या फिर कैसा हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस मींस कि उसकी अपनी लाइट नहीं होती है. जैसे मिसाल के तौर पर कि सन है, ठीक है, वो सेल्फ ल्यूमिनस है, लेकिन मून क्या है, वो नॉन ल्यूमिनस है. ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट के बारे में बार बार सोर्स ऑफ लाइट आता है, क्योंकि जब रे डायग्राम बनाते हैं भाई, सोर्स ऑफ लाइट आपके लेफ्ट साइड में, सोर्स ऑफ लाइट आपके राइट साइड में, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो जनरली यूज होते रहते हैं. तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हम आपको बता दे रहे हैं. ठीक है, जैसे मीडियम की बात होती है, फिर तो मीडियम जैसे मिसाल के तौर पर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, इसके बाद दैट इज ओपेक. ये तीन मीडिया की बात होती है. ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट 100% पास कर जाए, ट्रांसलूसेंट जिसमें से लाइट पार्शियली पास करे, और ओपेक मींस जिसमें से लाइट पास ही ना कर पाए. ठीक है, तो आज हमने एक टर्म को पढ़ा, दैट इज डिफ्रेक्शन, जो कि इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स की साइज पे डिपेंड करेगा. ठीक है, वो साइज कितनी होती है, डिफ्रैक्शन कैसा होता है, बस टेंथ पास कर लो अच्छे से, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आओ, प्लस टू में पहुंच जाओ, तो आपको डिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पता चलेगा. ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मींस एक काम कर, अब फर्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. That is what reflection. That is a reflection of light. ठीक है, अब देखो reflection of light का मतलब क्या होता है? That is the bouncing back of light. यानी जब light किसी object पे fall कर रही हो और fall करने के बाद वापस bounce back कर रही हो, तो इस phenomenon को हम क्या बोलते हैं? That is called what the रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे मेरे सामने लाइट मेरे एकदम हसीन से चेहरे पे लगी हुई है और जब पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे कैमरा रीड कर रहा है, तो और थोड़ा ब्राइट में दिखाई दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर में. तो ये सारी चीजें लगाई जाती हैं भाई. ऑनलाइन क्लास लेना है तो भाई ये लाइट इधर लगाओ, उधर लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, करना पड़ता है. ठीक है, ताकि आप खूबसूरत दिखाई दें, अच्छे दिखाई दें. चलो, फिल्टर्स को भी यूज करना पड़ता है कभी कभी. तो यहां पे वही है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब देखो अगर हम टाइप्स की बात करें तो वी हैव व्हाट, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. वन इज कॉल्ड व्हाट, द रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड वन इज कॉल्ड व्हाट, द इररेगुलर रिफ्लेक्शन. ये कुछ चीजें एट्थ में भी पढ़ी थी और मैं एट्थ में ही बहुत डिटेल में बता देता हूं ताकि टेंथ में इजी लगे. इसीलिए टेंथ में अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं टेंथ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते, तो इसीलिए बताना पड़ता है टोटल. ठीक है, अब देखो रेगुलर और इरेगुलर डिसाइड होता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट लाइट, रेगुलर और इरेगुलर डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. यस, जो रिफ्लेक्टेड रेज है बेसिकली उनके बेसिस पे डिसाइड होगा दैट इज व्हाट, कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है. क्या मतलब हुआ? तो देखो रेगुलर जो होता है वो हमेशा स्मूथ सरफेस पे होगा, और इरेगुलर जो होगा वो हमेशा रफ सरफेस पे होगा. ठीक है, अब ये रफ सरफेस है, ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट, स्मूथ, दिस वन इज स्मूथ. ठीक है, अब देखो होगा क्या, मींस रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जाहिर सी बात है जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ light travels in the form of beam.
इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ रेस, क्योंकि वो जो रेस ट्रेवल कर रहे हैं वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो लाइट बीम के फॉर्म में ट्रेवल करती है, कलेक्शन ऑफ रेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो मान लीजिए ये जो बीम है ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो रेज है वो इंसिडेंट हो रही है, मींस रफ सरफेस पे भी और स्मूथ सरफेस पे भी, ठीक है, और ये जितनी भी रेज है वो क्या होंगी, दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो इंसिडेंट रेज क्या होंगी, दैट विल बी पैरेलल इंसिडेंट रेज, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज भी अगर पैरेलल है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, देखो दोनों में फर्क दिख रहा है। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल है, यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट कंसीडर्ड टू बी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसीलिए जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फॉल करेगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है, इसीलिए उसकी कोटिंग भी की जाती है मिरर विरर बनाने में। तो यहां पे जो सिल्वर है इट्स द बेस्ट रिफ्लेक्टर, व्हाई, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसमें से सारी की सारी जो है वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो एक जगह पे जो लाइट फॉल करेगी, रिफ्लेक्टेड रेस फॉल करेंगी, वो इकट्ठा ज्यादा फॉल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें वो क्या दिखाई देगा, प्रॉपर रिफ्लेक्शन, ब्राइट। लेकिन जहां पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन है तो कुछ लाइट, सारी की सारी लाइट फॉल तो कर रही है लेकिन कुछ लाइट जो है इधर जा रही है, कुछ लाइट उधर जा रही है। तो अगर आप एक तरफ से देखोगे तो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट अगर इधर से ज्यादा आ रही है तो आपको वो ब्राइट दिखाई देगा, आप दूसरे एंगल से देखोगे अगर वहां पे अमाउंट ऑफ लाइट कम आ रही है तो वो आपको क्या दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। इवन अगर आप देखो रूम में ही बैठे होते हो, आपका ट्यूबलाइट जल रहा होता है, बल्ब जल रहा होता है, तो आप खुद देखो कि एक तरफ दीवार जो ज्यादा चमक रही होती है और दूसरी तरफ दीवार क्या होती है, एकदम डार्क दिखाई दे रही होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस पे जो लाइट फॉल हो रही है या तो इंटेंसिटी भी कम हो सकती है या फिर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वहां से कम आ रही है और इधर का सरफेस ज्यादा स्मूथ है या और करीब है, तो इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो ज्यादा यहां से आ रही है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो चीज ब्राइट दिखाई देती है या फिर हमें कैसा दिखाई देता है, या तो डल दिखाई देता है। अब जैसे कोई भी चीज ब्लैक क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी रेज फॉल कर रही है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब एब्जॉर्ब हो गई तो रिफ्लेक्टेड रेज आ ही नहीं रही है, तो जब रेज आ ही नहीं रही है, आपके आग पे फॉल ही नहीं कर रही है, तो वो चीज आपको क्या दिखाई देगी, डार्क। और ये आप महसूस करते हो कि इसमें डार्क रूम में, यानी रात में आप लाइट ऑफ कर दो तो आपको जो दिख रही होती है चीजें वो भी कैसी दिखाई देती है, दैट इज डार्क, यानी कि या तो एकदम दिखाई नहीं देती या फिर नाइट बल्ब ऑन करो तो देखो जब आप CFL जलाते हो तो वही पर्दा आपको एकदम ब्राइट रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन वही नाइट बल्ब जला दो 0.5 वाट, 1 वाट, 2 वाट, तो उसी नाइट बल्ब में वो जो रेड वाला पर्दा है आपको डल दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि एक तो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट निकल रही है, अब जब पर्दे पे पड़ रही है तो बहुत कम रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है जो आपका आई डिटेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग व्हाट, दैट इज डार्क। तो ये होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, मींस अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन रॉज, फिर उसके बाद उन्हीं बेसिस पे हम स्टडी करेंगे, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन, प्लेन मिरर एंड एवरीथिंग, जो हम यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी की सारी चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की हम अगर बात करें तो बेसिकली वी हैव मेनली टू लॉज, ठीक है। अब यहां पे मैं नोट में लिख दे रहा हूं, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है,
अब ये नहीं कह रहा जो मैं डायग्राम यहां पे आपको ये दिखा रहा हूं ये बनाओ, जो बुक में सिंपल डायग्राम बनाए वही बनाए, प्रोवाइडेड जो एंगल्स है, ये नहीं है कि इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे दिखा रहे, रिफ्लेक्टेड रे जो है 35 डिग्री पे दिखा रहे, नहीं, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये नहीं है कि अरे ये तो रिफ्लेक्शन, ये तो हलवा चीज है, ये तो अरे पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ते आ रहे, यानी जब जो है चॉकलेट खाया करते थे और जब चेहरे पे लग जाती, जब इतने छोटे हुआ करते तब से रिफ्लेक्शन पड़ा, बोर्ड में जाके लिख देंगे डायरेक्ट, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ सिंपल सिंपल चीजें फंसा देती हैं वहां पे, क्योंकि वहां का जो माहौल होता है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ डरावना होता है, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन नर्वसनेस जो है वो होती है। मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन तब भी डरा रहा हूं, ठीक है, क्यों, ताकि इतना ना इजी लेने लगे बोर्ड को। मैं बता रहा हूं अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया ना सिलेबस में जैसे आपको गाइड किया जा रहा है, आपको डरने की जरूरत ही नहीं, बोर्ड का एग्जाम बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो बहुत ही टफ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने 2003 में दिया ही था, आप गए भाई 18 साल हो गए दिए हुए, तो आपके लिए तो इजी होता ही है। मैं आपके लेवल की ही बात कर रहा हूँ। जब मैं पहुंचा बोर्ड के उसमें पहला पेपर देने के लिए, मुझे याद नहीं पहला पेपर कौन सा था, इंग्लिश या एसएसटी था, ठीक है, यस सोशल साइंस था, सोशल साइंस था। तो भाई बहुत घबराहट भाई, बोर्ड 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 बोर्ड, और उस वक्त तो इतने ज्यादा सारी सारी चीजें वही भी नहीं करते थे। तो फिर जब पहुंचे, जब पेपर देखा, तो इतना पढ़नी नहीं चाहिए था, ठीक है। हालांकि एसएसटी में मेरे उलट गए थे मार्क्स, वो आज हिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है, और चलिए वो तो हो गया जो हो गया। लेकिन अब सोचो मेरे प्री बोर्ड में एसएसटी में 94 आए थे, हाँ, और नहीं तैयारी अच्छी से की थी, लेकिन बोर्ड में उलट गया 49 हो गया, इसी ने मेरी परसेंटेज 90 से कम ले आ गया, बाकी साइंस मैथ इंग्लिश उर्दू सब एकदम अच्छा है। अब आप सोचो प्री बोर्ड में 94 और इसमें 49, ये लाइव में बोल रहा हूं, मैं लाइव देख रहा हूं, मैं लाइव बोल रहा हूं, ठीक है, ये रियलिटी है। बट होता है, मतलब ऐसा नहीं क्या मैंने गलत किया, आई डोंट नो। हालांकि पेपर मेरे लिए बहुत इजी था, पेपर मेरे लिए बहुत इजी था, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। तो पेपर इजी होता है, अब तो सैंपल पेपर्स इतने ज्यादा अवेलेबल, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, आज 2021 है और खत्म होने वाला है दिसंबर में, नवंबर में तुम लोग का बोर्ड एग्जाम है। तो अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, उम्मीद करते हैं सिलेबस भी चेंज हो जाए, कुछ अपग्रेड हो जाए, इससे अब डिफ्रैक्शन भी डाल दें, मतलब कुछ नया पढ़ाने का दिल करता है, क्योंकि बेसिक चीजें तो हैं लेकिन 10th लेवल पे और चीजें आनी चाहिए, ठीक है, अभी बहुत चीजें कम है। चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो तीन चीजें हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सबको पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहां पे जब हम पहुंचते हैं, देखो अब यहां पे ये हमारा, ठीक है, अब ये हमारा जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, मैं फिर से इसलिए बता दे रहा हूं, ये वाला जो होता है दिस वन, दिख रहा है, दिस लाइन इज व्हाट नॉर्मल, नॉर्मल किसको कहते हैं, दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, ये हमारा सर्फेस है, दिस इज सर्फेस, कुछ भी है, मिरर है, कोई स्मूथ सर्फेस है, ठीक है, एनीथिंग इट इज, ठीक है, दिस वन इज नॉर्मल। तो अब ये जो हमारा है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल, और मैं यहां पे लिख दू दैट इज द इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज वॉट द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो हमारा है दैट इज वॉट द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज आर। तो इसी वजह से जो भी हम एंगल लेंगे, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा दैट इज फ्रॉम नॉर्मल टू इंसिडेंट रे, फ्रॉम नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड रे, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रिफ्लेक्शन। तो हमेशा चाहे स्मूथ सर्फेस हो चाहे रफ सर्फेस हो, आपके जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, रफ सरफेस पे कैसे हो जाएगा, ये वर्क नहीं करता है अभी, अच्छा अच्छा चलो ओके, वो एक बार में हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं,
ठीक है यहाँ तक। अब आप कहेंगे सर रफ सरफेस पे कैसे, अभी आपने बताया कि फॉल करे कोई इधर जा रही है रे, कोई इधर जा रही है रे, कोई इधर जा रही है रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बराबर हुआ? बेटा ये नहीं कह रहा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे अगर आप एक इंसिडेंट एक सिंगल वाली रे को लेंगे तो अब देखो मान लो ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहां पे इसका क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, ध्यान से समझो, तो ये एंगल आई इस एंगल आर के क्या होगा? बराबर होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सरफेस ऐसा है ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, थोड़ा सा इधर हो गए। अब सरफेस नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो अब इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा ना, अगर आप इसको सरफेस लोगे, समझ में आ रहा है, इसको सरफेस लोगे तो ये नॉर्मल जाएगा ना, तो जब ये नॉर्मल जाएगा तो अब रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी ना, ठीक है। तो इन इंडिविजुअल रेस को जब आप लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये लॉ स्मूथ सरफेस पे भी फॉलो होता है और रफ सरफेस पे भी फॉलो होता है। सेकेंड अब आते हैं, मींस द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in same plane, सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक 3D डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये 3D क्यों है? थ्री डायमेंशनल मींस इट इज हैविंग द x एक्सिस, इट इज हैविंग द y डायमेंशन, इट इज हैविंग द z डायमेंशन। तो ये एक 3D डायग्राम है। अब अगर इस पॉइंट को कंसीडर करो तो देखो यहां पे एक एज है जो x एक्सिस पे रन कर रही है, ठीक है। यहां पे एक एज है जो कि, चलो मैं इसके अकॉर्डिंग बना देता हूं, दैट इज This one, क्योंकि मुझे रिवर्स बनाना चाहिए था। चलो मैं तीन डायमेंशन ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, क्लियर। मान लो ये हमने x बनाया, ये y एक्सिस पे, और ये क्या हो गए? z, यानी उसका रिवर्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये 3D फिगर क्यों है? बिकॉज इट इज फॉलिंग इन टू थ्री डायमेंशन, x, y एंड z। तो दो डायमेंशन मिलके क्या बनाते हैं? एक प्लेन, क्या बनाते हैं? एक प्लेन सरफेस बनाते हैं। तो उसी प्लेन की बात हो रही है ये, ठीक है, कि ऐसा नहीं है, मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब इंसिडेंट रे अगर आपकी आ रही है किसमें? दैट इज एक्स वाई प्लेन, तो नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी? एक्स वाई प्लेन में होगी, ठीक है। तो यहां पे इसी चीज की बात हो रही है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो नॉर्मल होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन। अगर इंसिडेंट रे वाई जेड प्लेन में आ रही है तो वाई जेड प्लेन में ही क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। इंसिडेंट रे अगर एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन में आ रही है तो एक्स जेड प्लेन में क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो दिस इज वॉट The second statement says, that is incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane. ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो अब देखो यहां पे जो भी आपका incident angle होगा उसके according reflected angle बनेगा। अब मान लीजिए आप यहां पहुंच जाते हो, देखो भाई normal होगा तो that will be zero। रुक जाओ बता दो, नहीं तो मैं पासवर्ड देख लेंगे सब लोग दुनिया वाले। ऐसे ही एक बार वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें शो करना था, पता नहीं एडिटियो के लिए या टीचमेंट के किसी के लिए कर रहे हैं, बना ली वीडियो। इतना आसान नहीं होता, पता है टेक्निकल वीडियोस बनाना इतना मुश्किल होता है, कोई भी एक ग्लिच आ जाए ना तो चला आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी, या फिर साइट खोल रहे हैं वो घूम रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अब वो उतना टाइम जा रहा है, वेस्ट होगा टाइम, बड़ा मुश्किल होता है। तो उस दिन क्या, अब वो मैंने, मुझे ध्यान भी नहीं था, ऑफ हो गया, मैंने ऑन किया
और फिर उसके बाद कट कट कट, और जब मैं प्रीव्यू बाद में देख रहा था मैंने कहा अरे ये तो पासवर्ड आ गया, तो या तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए तब से मैंने सीख लिया, उस गलती से सीख लिया कि जैसे ही लॉक हो तो फौरन टैब चेंज कर दो। अब देखिए अगर हम यहाँ पे नॉर्मल पे ले जाएंगे इंसिडेंट रे को, ए आ जाओ तो, चलो इसको मान देखिए, तो देखो यहाँ क्या है नॉर्मल पे है, तो जब ये नॉर्मल पे है तो देखो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या है नॉर्मल पे, तो अगर नॉर्मल से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? यस दैट इज जीरो, ठीक है जीरो होगा, क्लियर। सो दिस वॉज, तो यहां जैसे मैंने कहा कि जो डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का, और दोनों लॉज आपको पता है। अब जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन को लॉज और स्नेल्स लॉ का जब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, तब आपको रिफ्लेक्शन लॉज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं, ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो आपको पढ़ना है दैट इज रिफ्लेक्शन पे, दैट इज अबाउट द प्लेन मिरर एंड इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर के जब हम बात करते हैं ओके, जब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात एक टिपिकल प्लेन मिरर है जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, रोजाना यूज करते हैं, जाते हैं अपने आप को सवारते हैं, सजते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आना है, ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें थोड़ा वर्चुअली सज लिया जाए, फिल्टर लगा लिया जाए कैमरा पे, ठीक है। वैसे तो फिजिकल क्लासेस में जब आते हैं तो भाई बाल वाल सब सही है, अब तो बहुत सही है, एकदम उजड़ी हालत में हो फिल्टर लगा लो अच्छे से, अब सब कुछ काम बन गया, ठीक है, बहुत अच्छे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, एकदम सूट बूट में, इवन पीछे बैकग्राउंड भी चेंज कर लो, मतलब गुवाहाटी से क्लासेस कर रहे हैं। बहरहाल तो प्लेन मिरर जो है वो किस उस पर वर्क करता है, दैट इज व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन मिरर की तरह एक्ट करने के लिए कुछ भी कंडीशंस जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो आप कर दो। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, आप उसके पीछे कोई ओपेक, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में जाते हैं नोटिस बोर्ड पे नजर मार रहे हैं और पीछे स्कूल का बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, दिखता है नोटिस बोर्ड को, देखो कभी एक्सपीरियंस किया है जब वहां पे नोटिस बोर्ड पे जाते हैं अगर उसके आगे ग्लास लगा हुआ है और वो बंद है कहीं बच्चे नोच ना दे नोटिस, ठीक है, तो आप क्या करते हो जब उस नोटिस को पढ़ रहे होते हो तो वो जो शीशा होता है उसमें पीछे का रिफ्लेक्शन कुछ दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। इवन घर में होते हैं, घरों में खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, सिर्फ ग्लास लगा होता है और आप एक एंगल पे बैठे होते हो, जैसे जब मैं पहले उधर क्लासेस लिया करता था तो वहां पे जो शीशे का एंगल ऐसे सेट कर देता था कि जो है बाहर का भी दिखाई देता था और जो पीछे जो बच्चे बैठे हुए उनको भी रिफ्लेक्शन होके दिखाई दे रहा है, वहां पे सिंपल साइंस लगती थी। तो इसका मतलब मिरर की तरह कुछ भी एक्ट कर सकता है ना, प्रोवाइडेड मिरर की कंडीशन होनी चाहिए। तो मिरर बेसिकली होता क्या है, ग्लास होता है, उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके बाद कुछ कलर्स होते हैं जैसे ग्रीन एंड ऑरेंज, उसकी कोटिंग कर दी जाती है, उसको ओपेक बना दिया जाता है और हम ये जानते हैं सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है। तो अब जो ग्लास के ऊपर जो इंसिडेंट रेज फॉल करेंगी, अब वो यहां से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो हमारा ग्लास था खिड़की में वो मिरर की तरह उसमें हमारी इमेज क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके पीछे जो भी सरफेस रहा होगा, ठीक है, उसने उसको क्या बना दिया, एकदम ओपेक, यानी जो बैकग्राउंड है उसको क्या बना दिया, ओपेक, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन पॉसिबल हुए, इसीलिए वहां पे वो पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो थोड़ी बहुत इमेज हमें वहां पे दिखाई दे रही है। तो ये है प्लेन मिरर का मींस कॉन्सेप्ट। अब यहां पे आते हैं इमेज पे,
ठीक है। अब देखो, जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो मिरर जब भी बनाया जाता है, याद रखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आगे रखा जाता है और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें ऐसे डैश 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 बना दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ऐप में आपको दिख रहा है, तो जैसे इंसिडेंस एंगल यहाँ पे इन्होंने चेंज किया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो भी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दैट इज अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जब मिरर पे फॉल कर रही है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे दिख रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए सेम एंगल पे क्या हो रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। अब ये बताओ, ये जितनी भी रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं और जो इंसिडेंट हो रही हैं, ये बताओ इनके जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन, वो आपस में पैरेलल होगा या नॉन पैरेलल होगा? यस, बताओ भाई चैट बॉक्स में, थोड़ा उंगलियों को तकलीफ दे के। यस एवरीवन, यस पैरेलल होगा। देखो अब ये इंसिडेंट रे और पैरेलल रे जा रही है, तो नॉर्मल ऑलमोस्ट मान लो यहां पे हो गया इसका नॉर्मल, क्यों, क्योंकि सारी जितनी रेज आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर की केस में क्या होगा, दैट विल बी इक्वल, ठीक है। तो यहां से प्लेन मिरर की एक फंक्शनिंग समझ में आई, और अभी आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं इसके बारे में। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सिंपल चीज है लेकिन गलतियां देखने को मिलती हैं, ये याद रखिएगा, सिंपल सिंपल चीजों में आप लोग गलतियां करके आ जाते, पेपर कैसे हो रहा है, जबरदस्त, ठीक है, तब तो 100 में 100 आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, भाई कहां गलती कर दी, तो वो छोटी छोटी गलतियां ये होती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, प्लेन मिरर रखा हुआ है, दिस इज व्हाट द मिरर, ठीक है, इसका भी मैं यहां पे रिमार्क लिख दे रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए, इसका भी डायग्राम क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सिंपल सा डायग्राम गूगल पे जाके सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आपके जो बुक्स में दिया हुआ उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये प्लेन मिरर यहां पे है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, एंड वी आर द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये इसकी क्या बन रही है, इमेज फॉर्मेशन होती है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले, ठीक है, कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मींस जैसा ऑब्जेक्ट जिस ओरिएंटेशन में होगा वैसे ही इमेज यहां पे दिखाई देगी, ठीक है। व्हाई इट इज वर्चुअल, बिकॉज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब जैसे कि आप यहां पे देख रहे होंगे कि दो तरह की लाइंस आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट में सॉलिड लाइंस दिखाई दे रही हैं और यहां पे कैसी डैश 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 यहां पे दिखा, डैश लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो सॉलिड लाइंस का मतलब क्या हो गया, रेज रियलिटी में यहां पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, यानी कि जब रेज आ रही है, फॉल कर रही है और रिफ्लेक्ट करके जा रही है, ठीक है, जो उनकी मीटिंग हो रही है, ठीक है, जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे वो मीट कर रहे हैं, दैट इज इन द रियल सेंस, ठीक है। और जब हम उसी का मींस एक वर्चुअल पाथ बनाते हैं, ठीक है, जब उसका एक वर्चुअल पाथ बनाते हैं, ठीक है, तो जहां पे ये वर्चुअल रेज मीट करती हैं, बहुत ध्यान से समझना ये इमेज, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखो, जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, हम कैसे देख पाते हैं एक पर्टिकुलर इमेज को। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट की, इसके ऊपर लाइट पड़ी, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट होके आई, यहां पे आई है यानी ऑब्जर्वर है,
ठीक है, ये हमारे भाई साहब हैं, इनके ऊपर लाइट पड़ी और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस आंख पे आ रही है, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, मींस उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होके आनी चाहिए। अगर लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन हमारे आंख तक नहीं आ रही है, क्या आपको दीवार के बाहर दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है? नहीं। क्या वहां पे जो बाहर ऑब्जेक्ट है, क्या उसके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंख तक नहीं आ पा रही है। तो जब आपकी आंख तक नहीं आ पा रही है, तो आप उसको नहीं देख पा रहे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन तब होगा आपकी आंख में जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के लाइट रेज बेसिकली आपकी आंख तक पहुंचेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इमेज बनती है, जो रेज होती है, वो जहां पे मीट करेंगी, बहुत ध्यान समझिएगा, रेज जहां पे मीट करेगी वहां पे शार्पेस्ट इमेज बनती है। क्या बनती है? शार्पेस्ट इमेज, चाहे वो रियलिटी में, अगर रियल रेज मीट कर रही है तो यहां पे कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। और अगर वर्चुअल रेज मीट कर रही है तो यहां पे इमेज बनेगी, और कैसी इमेज होगी है? That is virtual. ठीक है, इसीलिए रियल रेज या रियल इमेज आपको स्क्रीन पे मिल जाती है। ये आपको कहां पे मिल जाती है? स्क्रीन पे। और ये आपको स्क्रीन पे नहीं मिलती है। जैसे अब शीशा लगा हुआ है, आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो, और अपने बराबर में आप कोई पेपर रख दो या एक स्मूथ चादर रख दो, तो क्या शीशे में जो इमेज है अब वो रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे आ रही है? नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यू कैन नॉट ऑप्टेन दैट इमेज ऑन स्क्रीन। दैट्स व्हाई, क्यों नहीं ऑप्टेन कर सकते? बिकॉज द रेज व्हिच इज फॉर्मिंग दैट वर्चुअल इमेज इज वर्चुअल। जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको दिख रहा हूं, तो मैं रियलिटी में दिख रहा हूं या वर्चुअल? व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स अ वर्चुअल क्लासरूम। यहां पे क्या चल रहा है? ये वर्चुअल क्लासरूम चल रही है। ठीक है, आई एम नॉट प्रेजेंट इन फिजिकल इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम प्रेजेंट virtually with the help of camera. ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये रेस क्योंकि virtually meet कर रही है, that's why it is forming what, the virtual image. अयान कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, ऐसी छुट्टी मारोगे? मुझे टेंशन हो जाती है, इसीलिए पता है सिंगल स्टूडेंट मैं बैच में रख के क्लास नहीं स्टार्ट करता। हालांकि इसकी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन यही होता है, यही ड्रॉबैक होता है, वो सिंगल स्टूडेंट हो गई नहीं, क्लास रन ही नहीं कर पाएगी, मैं किसको पढ़ाऊंगी, समझ रहे? वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो हालांकि रिकॉर्ड करके मैं भेज दूं, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। मैं रिकॉर्डेड के कभी फेवर में नहीं रहता, फर्स्ट मीन्स इंस्टेंस में, पहले लाइव उसके बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देन लाइव, नहीं। इसीलिए कहता हूं कम से कम 4-5 बच्चे हो तभी बैठ, लेकिन क्या करे, दिल मानता भी नहीं है। चलो बहरहाल, साधी सर जो है वो कुर्बान होंगे लास्ट में, क्योंकि बिना कोर्स कंप्लीट कराए तो छोड़ ही नहीं सकते, पॉसिबल। मैं तो सबसे, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो दावा करता हूं, मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूं, पता है, सबसे स्लो। तुम देख लेना किसी ऑनलाइन मीडिया चाहे ऑफलाइन मीडिया, और सबसे खास बात अकेला, समझ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और सबसे खास बात ऑन टाइम। ऑन टाइम क्या? यस यस बेटा, आप जानते हो ना कि देखो मेरी लालच क्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी लालच है मुझे पढ़ाने को मिले, इसीलिए मैं रेडी हो जाता हूं, ठीक है आ जाओ चलो मैं क्लास, क्योंकि वो मेरा कोर्स बिल्डअप होगा, वो मेरी एक लालच है। नहीं तो अगर मैं, मान लीजिए एट्थ में कोई बच्चा नहीं है, तो मैं एट्थ को पढ़ा ही नहीं रहा हूं ना, फिर तो वो सेशन मेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दैट्स व्हाई, तो मेरी लालच जो है वो यही है कि मैं पढ़ाऊं, बस उस लालच में मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, नहीं उससे पहले, नहीं उसके बाद,
अच्छा चलो ठीक है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि रियल इमेज, तो रियल इमेज हमें स्क्रीन पे दिखती है, वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाई देती है। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आ रही है कि जब रेज रियलिटी में मीट करेगी तो वो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, दैट इज रियल। ठीक है, तो अब देखो ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यहां पे ये जो इमेज है ये कैसी है, वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब जैसे ओरिएंटेशन है, मतलब मोमबत्ती की लॉ फ्लेम ऊपर है तो शीशे में भी वो ऊपर दिखाई देगी, नीचे है तो वैसे ही वो नीचे दिखाई देगी। अब ये बताओ आंख में कैसी इसकी इमेज बन रही होगी, रियल या वर्चुअल, आंख में इमेज कैसे बन रही होगी, आवे क्या क्या जवाब है सबका, जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो तभी। यस, किसी ने वर्चुअल बोला, किसी ने रियल बोला, आंख में जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, दैट इज रियल इमेज, क्योंकि वो स्क्रीन पे बनती है। आपका रेटिना, ये कहां से आ रहे हैं भाई साहब साइड में, ठीक है, आपका जो रेटिना है भाई, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी एड, ये एडवर्ड मैं प्रोमोट नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब लगाते प्रोमोशनल वीडियो, ठीक है, आपकी रेटिना स्क्रीन, यस रेटिना स्क्रीन का वर्क करेगी। तो ये जो रेस जा रही है बेटा, देखो ये जो रेस जा रही है, कौन सी रेस जा रही है आपकी, ये वाली या ये वाली, RHS या LHS, कौन सी रेस आंख तक पहुंच रही है, LHS, यानी कि यहां पे ये जो रियल रेज है, तो जब ये आंख में एंटर करती है तो रियल रेज एंटर कर रही है और आपकी रेटिना स्क्रीन कवर करती है, वहां पे इमेज फॉर्म होती है। हम आगे सब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जब हम लेंसेज एंड ऑल मिरर सब कुछ जब पढ़ेंगे तो सारी चीजों को और समझ में आएगा। तो आंख में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, दैट इज रियल। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आए कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, लैटरल इन्वर्जन दिखाई देता है। लैटरल किसको कहते हैं, साइड को, देखो टॉप टॉप दिखाई देगा, बॉटम बॉटम दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट मिरर में क्या हो जाएगा, राइट, और आपका राइट मिरर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, नॉट वर्टिकल इन्वर्जन। जो टॉप होता है वो टॉप ही दिखाई देता है, जो डाउन होता है वो डाउन ही दिखाई देता है, ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन जो लेफ्ट होता है वो उसमें राइट हो जाता है, और जो आपका राइट होता है वो उसमें लेफ्ट हो जाता है। ये चीज इमेजिन करके अभी देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की मिरर के अंदर होते, मींस अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, x सेंटीमीटर। इसीलिए कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन एक मार्क में आ जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 10 मीटर है दूर, मिरर से 10 मीटर है, तो ये बताओ वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर हो, जल्दी बताओ, एक ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर दूर है तो वो इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर होगी, अब जाके स्कूल में ये सिंपल सब पूछना ही लो। यस, इमेज से ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा, यस यही बोर्ड करता है, आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिखाएगा, उसी में बीच में कुछ स्टेटमेंट इधर उधर करेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ये गलत होके आ जाता है, फिर पता नहीं चलता वो एक मार्क्स कटे कहां पे। तो प्लीज इन सारी चीजों का जरूर ध्यान, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 मीटर ही आंसर आएगा, मैंने पूछा कि इमेज से ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा, सो द आंसर विल बी 20 मीटर्स। तो एक चीज ये समझ में आई, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है तो मिरर के अंदर भी इमेज उतना ही दूर होता है, इज दैट क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज का साइज भी उतना ही। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर लंबा है तो इमेज भी प्लेन मिरर में क्या दिखाई देगी, 5 मीटर लंबी दिखाई देगी। मीन्स द ऑब्जेक्ट साइज इज सेम या इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा इमेज कैसी होगी वर्चुअल, दूसरा इमेज कैसी होगी इरेक्ट, तीसरा लैटरल इन्वर्जन विल बी सीन, चौथा द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी, आज हमने सिमुलेशन से इसको और अच्छे से समझा। लेकिन ये सिमुलेशन दिखाने का मकसद दूसरा भी है कि जब आप डायग्राम प्रैक्टिस करें बेटा तो जो इंसिडेंट रे आप दिखाएं, जो रिफ्लेक्टेड रे दिखाएं, ये छोटी छोटी गलती आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपके पौन सवा ये मार्क्स चले जाते हैं, तो वो जो है वो मार्क्स भी आपको जो है सेव करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स डायग्राम शुड बी कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव। मीन्स अगर मुझे दिया जाए कि साथ सर जरा आप एग्जाम दीजिए 10th क्लास का, तो मुझे अगर ये डायग्राम बनाना है तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। आई विल शो दिस वन इज MM डैश और मैं क्या लिखूंगा यहां पे मिरर, फिर उसके बाद जो इंसिडेंट रेज है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको, यहां पे मैं क्या लिखूंगा इसको ऑब्जर्वर, यहां पे क्या लिखूंगा नीचे दैट इज ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या लिखूंगा दैट इज इमेज। मैं इसके इमेज को ए डैश बी डैश कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा ए और बी कर दूंगा। ठीक है, और मुझे करना होगा तो मैं लिखूंगा यहां पे इंसिडेंट रेज और यहां पे क्या लिखूंगा दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेज। मैंने बताया ना कि ऐसे एग्जाम करो जैसे टीचर कुछ नहीं जानता है, लेकिन इररिलेवेंट भी नहीं कर रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, हाँ ये इतना भी नहीं करना है। ठीक है, हाँ वो इररिलेवेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या डायग्राम होगा दैट विल बी इंफॉर्मेटिव, नीट एंड वेल लेबल्ड जिसको कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या चीज, पॉलिश पॉलिश वॉलिश सब करो। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। That is spherical mirrors. अभी तो plane mirror की बात की। Yes, that is what the spherical mirror. अब देखो spherical mirror मतलब the mirror which is a part of a sphere. ठीक है, चलो पहले definition लिख दें। The mirror which is या ऐसे लिख लो और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कर दे रहा हूं। द मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। It's called spherical mirror. ठीक है, अब जैसे अगर spherical mirrors में हम क्या पढ़ने वाले हैं, one is what the concave mirror. देखो अक्सर बच्चे confused होते हैं, चम्मच उम्मच का example book में भी दिया होता है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन याद रखो देखो कि ये क्या दिया हुआ, cave. केव कहते हैं गुफा। ठीक है, तो मतलब विच इज बेंड इनसाइड यानी अंदर की तरफ जो बेंट हो। ठीक है, कॉनवेक्स, वेक्स कहते हैं मींस उठा हुआ। ठीक है, तो कॉनवेक्स मिरर मींस जहां पे, अब ये किसके रिस्पेक्ट में बात होगी बेटा, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट में बात होगी। मींस जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब क्या होगा, वो केविटी है।
मींस वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, विच इज बेंट इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अब ये इसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस डैश 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 जैसे हम बनाते हैं। वेक्स में क्या होगा? कॉनवेक्स में ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? दैट विल बी ओपेक, ठीक है। तो देखो ये वेक्स है, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ उठा हुआ, लेकिन यहां पे जो बोल रहा है इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, इसका क्या मतलब हुआ? तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद समझ में आ जाएगी। ये कौन सा? इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। वेयर इज माय इनबिल्ट कैमरा? ये असल में सामने से लाइट आ रही तो थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है? दिस वन इज व्हाट? द स्फीयर। अब मैं करूं तो देखो ये हमारा स्फीयर, दिस वन इज व्हाट? द स्फीयर। अब ये जो पार्ट निकला है, ठीक है, ये जो पार्ट निकला है, दिस विल बी व्हाट? द स्फेरिकल मिरर। दिस विल बी व्हाट? द स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर सबको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा बेटा, एकदम फ्रंट पे लाइट है ना, इस वजह से। चलो अब दिखाई दे रहा है, आई थिंक अब क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है? ये मिरर, ये स्फीयर का पार्ट था। तो देखो जब ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, दिस वन, ये हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज व्हाट द कॉनकेव मिरर। और जब हमारा ये वाला सरफेस जो ऊपर की तरफ है, जो अपवर्ड है, इट इज मींस वेक्स फॉर्म में जो है, जिसको हम कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज व्हाट द कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो ये जो कह रहा है, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द होलो स्फीयर, यानी पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो देखो ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो जब अभी हम पढ़ेंगे तो 2D डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, 2D डायग्राम। तो इस स्फीयर को याद रखना, अपने माइंड में रखना, ठीक है। और ये जो हमारा मिरर है, ये इसका पार्ट है, इसको ध्यान में रखना, तो फिर जो डायग्राम अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। जब सेंटर ऑफ स्फीयर की बात हो रही होगी, तो देखो ये जो स्फीयर है, इसका जो ये सेंटर होगा, सेंटर, ठीक है, दिस सेंटर, ठीक है, इसकी बात हो रही होगी, क्लियर। एपर्चर की जब बात हो रही होगी, ये तो चले गए, ठीक है, जब एपर्चर की बात हो रही है बेटा, एपर्चर मींस जो पार्ट है जो रिफ्लेक्शन कर रहा है, ये एपर्चर है, दिस वन इज एपर्चर, एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर जब बोला जाएगा तो इसको ध्यान में रखना, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड दिस कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। आई थिंक इतनी बातों से समझ में आ गया, हाँ भाई। अब देखो वही मैं कहता हूं ना कि हर चीज साइंस आपके आसपास ही होती है। ये जो मैंने ये डब्बा लिया था, ये जेम्स में निकला था, बच्चों के जो जेम्स आते हैं ना टॉफीज, उसी का ये है। तो देखो इसमें हमने मिरर ढूंढ लिया, और ये मैं पिछले साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब ये पुराना हो गया मेरा, ये टूट गया था, तो इस वजह से जो है मैं जो है दिस वन सी क्रैक कर गया था। ये मैं पिछले 2-3 साल से मेरा साथ दिया इसने, लेकिन अभी भी मैं रखूंगा, कुछ भी यूज में आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो मिरर्स हैं, जो हमने बताया आपको छोटा वाला पार्ट, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर भी क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, विच विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारे टर्म्स अब समझ में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज वॉट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल सी, विच इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं?
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखो वो जो स्फीयर है जिसका वो मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर है, अब सेंटर याद आ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा मिरर है। चलो बना लो जल्दी 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 जल्दी। अभी मैं सिर्फ डायग्राम को बताऊं, फिर उसके बाद डेफिनेशन एंड ऑल ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इट विल टेक अराउंड 5 to 6 क्लासेस, ठीक है, तो ज्यादा ही कभी कभी लग जाती है, तो कोई नहीं, मैं संडे में भी क्लासेस ले लूंगा, दैट वे कंप्लीट कराना, बस मुझे पता चल जाए 50% क्या है सिलेबस, ठीक है। अब देखो ये जो मिरर होता है इसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड व्हाट, द पोल, जिसको हम कैपिटल पी, ये सारी चीजें मैं लिख पाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, दिस इज व्हाट द पोल, मैं पी पहले लिख रहा हूं, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय कैपिटल पी, और वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्रॉस करती है, ठीक है, मैं एकदम अभी रफ बना रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बनाऊंगा इसको, मैं अभी के लिए कर रहा हूं ताकि कंप्लीट, That is called what the principal axis. आप लोग बनाएंगे तो बकायदा scale scale के साथ, ठीक है, that is called what the principal axis. Means the line which is passing through the center of curvature and the pole of the mirror. Center of curvature and the pole of the mirror. अब देखो एक और चीज मैं दिखाऊं, पोल कहां पे होगा, where will be pole? किधर गया, किधर चला मैं? See this, ये हमारा क्या है, मिरर है, अब ये सेंटर दिखाई दे रहा है, ये दिस सेंटर, तो दिस सेंटर इज व्हाट द पोल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पोल, तो इस पोल से और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करेगी लाइट, ठीक है, जो पास करेगी सॉरी वो दैट लाइट दैट इज द Yes, that is called what the principal axis. The line which is passing through center of curvature and the pole of the mirror. ठीक है, तो यहीं तक आज मैं अपनी बात को complete करता हूं. आज जो आपको जाएगा सिर्फ quiz जाएगा. ठीक है, Today you will get only quiz. कल अब आइए chemistry का second chapter and chemistry का second chapter हम start करेंगे. और वो second chapter क्या है? That is acids, bases and salt. ठीक है, कुछ पूछना है, डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, कल केमिस्ट्री स्टडी करेंगे और फिर सैटरडे में बायो, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, ये लेक्चर पब्लिक होगा तो ऑब्वियसली अपने आप अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल ग्रुप्स में, इफ दे अलाउ आप सेंड करें, ताकि चेन रिएक्शन से ही चीजें आगे बढ़ती है, अकेला मैं बैठे बैठे क्या करूंगा, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।